हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं क्लास 10 से चैप्टर लिया हमने सिमिलर ट्रायंगल। ये क्वेरी हमें भेजा है सुरेश जी ने, एक 4 मार्क्स का शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जितना मैंने फिगर आपको बना के दिया है और जितना इंफॉर्मेशन यहाँ पर है वही क्वेश्चन में गिवन है, इसको कुछ पार्ट करना भी पड़ेगा, बताऊंगा मैं आपको भी। कह रहा है कि इन फिगर AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एक ABC ट्रायंगल दिया है जिसमें AD एक मीडियन है। अब देखिए मीडियन क्या करती है, मीडियन जिस साइड पर जाकर पड़ती है उसे बराबर 2 हिस्सों में बांट देती है। तो ये समझिए कि BD का दूरी CD का दूरी के बराबर है। अब क्योंकि पूरा दूरी A है तो समझिए कि B से D का दूरी हो गया A by 2, ऐसे ही C से D का दूरी भी हो गया A by 2, ठीक है। और ये जो ED दूरी है ये मैं लेट ले रहा हूं X, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा पहले किस तरह से कि डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लिख दीजिएगा। मेन सॉल्यूशन वाला पार्ट है वही करते हैं। तो लिखना किस तरह से लिखेंगे, कैसे कि AD इज अ मीडियन, ठीक है। रीजन क्या डालेंगे इसके लिए, बिल्कुल गिवन है। तो आप लिखेंगे कि BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू A by 2, ठीक है। अ मीडियन इज अ लाइन व्हिच डिवाइड अ साइड इनटू टू इक्वल पार्ट ऑन व्हिच इट फॉल, ठीक है। कि मीडियन जिस साइड पर जाकर पड़ेगा उस साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, क्योंकि पूरी साइड आपको A दी हुई है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक की दूरी A by 2 और A by 2 हो गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ED को मैंने लेट लिया हुआ है, तो लिखेगा लेट ED इज इक्वल टू X यूनिट्स, क्योंकि दूरी ऐसी कोई चीज है तो यूनिट लगा दीजिएगा। अब क्वेश्चन में देखिए B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और बराबर कोई टर्म चाहिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक आसान तरीका है, सबसे पहले B स्क्वायर की वैल्यू ढूंढते हैं। अब B स्क्वायर के लिए ट्राइंगल देखिए कौन सा चुनना है, और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जिस ट्राइंगल को आप चुने उसमें राइट एंगल मौजूद हो। तो देखिए बी चुनने के लिए मुझे ट्राइंगल चुनना पड़ेगा ए ई सी, क्योंकि ई यहां पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ए ई और सी, तो ए सी के हिसाब से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर और प्लस ई सी का स्क्वायर। मैंने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, लिख दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। पूरा स्टेटमेंट डालना है ना कि पाइथागोरस वर्ड लिखना है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में हार्डली 2 क्वेश्चन आने, तो आप किसी भी तरह का शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, पूरा स्टेटमेंट लिखना अगर 4 मार्क्स पूरा चाहिए तो, ठीक है। अब देखिए AC का दूरी कितना है, AC आपको B दिया हुआ है तो ये हो गया B स्क्वायर, AE AE आपको H दिया हुआ है तो लिख दिया आपने H स्क्वायर प्लस EC। अब EC तो कुछ भी नहीं है, देखो EC को एक टर्म में लिख सकता हूं, नाउ दिस EC कैन बी रिटन एज ED प्लस CD। तो देखिए ना ED प्लस CD का होल स्क्वायर। अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे, B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B। लेकिन ये सारी वैल्यूज मेरे पास है, देखिए बताता हूं कैसे, B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस ED, देखो मैंने ED को H माना हुआ है तो H स्क्वायर, ये आप डायरेक्ट वैल्यू यहां भी पुट कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस CD। अब जरा CD देखना, C और D A by 2 मारा हुआ है, तो A by 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ED जो कि X है और CD जो कि A by 2 है, ठीक है। अब जरा इन दोनों को चेक करना, H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर क्या होने वाला है, देखिए ट्रायंगल इस तरह का बन रहा है कुछ हमारे पास, उसके लिए ये हमारा E है जो कि राइट एंगल है, ये D, इसको मैंने X माना हुआ है, इसको मैंने H माना हुआ है और ये मुझे P दिया हुआ है, तो मुझे क्या दिया हुआ है, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, जो कि पी है। तो ये कितना आ गया, देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 से 2 चला गया इंटू ए एच। तो यहां से मेरे पास बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, मतलब ये वाला वैल्यू आ गया है। अब ऐसे ही मुझे सी स्क्वायर निकालना है। अब सी स्क्वायर के लिए देखिए ट्राइंगल कौन सा चुनू, और ध्यान रखिएगा राइट एंगल मौजूद होना चाहिए। तो ए बी ई ट्राइंगल की बात करें तो देखिए राइट एंगल मौजूद है तो वही ट्राइंगल हम लेंगे। तो देखिए एन ट्राइंगल ए ई बी लगाइए पाइथागोरस, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर और प्लस ए ई का स्क्वायर, फिर से वही पूरी पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेप, अब ए बी कितना है मेरे पास, देखिए वो है सी का स्क्वायर
BE, अब BE तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो BE को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो BD minus ED, BD minus ED का whole square plus AE square, AE को H माना हुआ है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो हम स्प्लिट करते हैं, कभी ऐड करते हैं, कभी सबट्रैक्ट करते हैं, ये वही वैल्यूज होती हैं जो हमें एक्चुअली में, जो हमें एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन होती है या जो हमने लेट की होती है। तो देखो जरा अगले स्टेप पे बोलेंगे, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बोल देते हैं पहले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a और b और प्लस का h स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इनकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू bd, तो देखना व्हाट इज bd, bd इज a बाय 2 द होल स्क्वायर प्लस ed, व्हाट इज ed, x स्क्वायर माइनस का 2 bd, bd इज अगेन a बाय 2, ed इज x और प्लस का h स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x स्क्वायर, ये 2 से 2 हटा देते हैं, तो माइनस का ax और प्लस h स्क्वायर। देखिए फिर से भाई, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना बनेगा, बिल्कुल सेम पीछे वाले किधर है, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो वापस आ गया p स्क्वायर, तो ये दोनों को चले गए, क्या बचा a स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस का ax, तो देखिए यहां से भी हमारे पास c स्क्वायर का वैल्यू आ गया, b स्क्वायर और c स्क्वायर की वैल्यू को ऐड कर दीजिए, तो चलिए हम भी ऐड कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, तो p स्क्वायर प्लस e स्क्वायर फिर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4, तो प्लस a स्क्वायर अपॉन 4, अब देखो प्लस तो माइनस का ax प्लस का ax ये कैंसिल आउट हो गया, तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, तो कितना आया c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, अब देखो यहां बेस सेम है तो आएगा 2a स्क्वायर अपॉन 4, 2 से 4 चला गया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, और देखना मुझे फाइनल आंसर तो यही चाहिए था और ये मेरा स्टेप आ गया है। ध्यान इस बात पर रखना है कि b स्क्वायर और c स्क्वायर लेते समय b स्क्वायर के लिए ट्रायंगल अलग, this way right angle मौजूद हो, c स्क्वायर के लिए ट्रायंगल अलग, this way right angle मौजूद हो, दोनों एक्सप्रेशन निकालिए, ऐड करिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट शेयर लाइक भी कर दें, और आपको अगर किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है उस पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और किसी भी तरह का कोई क्वेरी है अगर किसी भी क्लास के लिए मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करेंगे।